अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर यासिर। हम पढ़ रहे हैं 2019 क्वेश्चन नंबर 2 सिंगल एंट्री। इस सवाल की रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड इज प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2018। यानी आपको स्टेट प्रॉफिट लॉस बनानी है। अच्छा जी, अब मिस्टर सलीम मेंटेन्स हिज अकाउंट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री बेसिस, हिज कैपिटल बैलेंस एट स्टार्ट January 1 180,000 है और December 31 उसकी पोजिशन है, वो ये कैश है, रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, पेबल है। The data for the adjustments on December 31st, 2018 was as under. Mr. Salim made additional investment of 40,000. He had written, withdrawn 20,000 and 25,000 for personal and business use respectively. Division of furniture and equipment for the year, 5,000 and 4,000 respectively. Outstanding salaries at the year end of ₹10,000. ये सारी चीजें given हैं। तो पहले निकालते हैं आप क्या चीज? Capital attained निकालना पड़ेगा। स्टार्ट तो गिवन है, सही फॉर्मेटिंग करते हैं। नाइन क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन टू, ठीक है। पहले करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट एंड, सही एंडिंग कैसे निकलेगी भाई? देखो इसको जूम करूं थोड़ा सा, क्या है यहां तक सही। तो भाई कैश कितना है? 75,000। पहले कैश लिखा मैंने 75, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल 70,000, फिर क्या है मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 50,000, उसके बाद क्या है नेक्स्ट? फर्नीचर है 30,000, इक्विपमेंट है 20,000, ठीक है, और अकाउंट पेबल 25,000 है। टोटल करेंगे क्या आ जाएगा? टोटल एसेट्स सबको सम अप करके कितना बने टोटल भाई? देखते हैं, 75,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, क्या फंस गया अगले में, 245,000 आपका टोटल एसेट्स आ जाएगा, ठीक है ना। 245 क्या आ गया? टोटल एसेट्स। इसमें से लेस करेंगे आप लाइबिलिटीज, कौन सी लाइबिलिटी भाई? देखो सवाल में अकाउंट पेबल है 25,000, तो यहां लिखेंगे लेस अकाउंट्स पेबल कितना है? 25,000, क्या हो जाएगा ये माइनस, तो क्या आ जाएगा आपके पास? कैपिटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैपिटल एट एंड आ जाएगा, ठीक है, यहां लिखेंगे कैपिटल एट एंड, कितना आ जाएगा कैपिटल एंड आपका? 220,000 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर शुरू करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि सवाल की रिक्वायरमेंट है। नेम ऑफ कंपनी क्या है भाई? नेम ऑफ कंपनी मिस्टर सलीम, तो यहां लिखा मिस्टर क्या बना रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस for the period ended December 31, 2018। अच्छा जी, अब कॉलम बनाते हैं, ठीक है। पहले लिखेंगे आप कैपिटल अटेंड, कितना है? 220,000, इसमें ऐड करते हैं ड्राइंग, लिखा हुआ ही हैड विड्रॉन 20,000 एंड 25,000 फॉर पर्सनल यूज एंड बिजनेस यूज, तो 20,000 तो आपकी ड्राइंग हो जाएगी, दूसरी बिजनेस यूज के लिए ड्राइंग नहीं कहलाती, ठीक है। 20,000 की आपकी क्या हो जाएगी? ड्राइंग, यह लिखेंगे एड
ड्राइंग कितनी है भाई? 20,000 की आपकी ड्राइंग है। क्या जाएगा टोटल? कितना आ जाएगा? 240,000। लेस करेंगे कैपिटल एट स्टार्ट। कितना भी कैपिटल स्टार्ट आपका? 180,000। तो 180,000 कैपिटल स्टार्ट है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी? 40,000। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई? 40,000। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 180 प्लस 40 कितना आ जाएगा? 220। ये जाएगा लेस। ठीक है, क्या आ जाएगा? अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 20,000। फिर लेस करेंगे एडजस्टमेंट्स, तो कौन सी एडजस्टमेंट आएगी? जो भी एक्सपेंसेस देखते हैं कौन कौन से हैं, तो भाई पहले लिखा हुआ है बस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 5,000 एंड 4,000। दो डेप्रिसिएशन है मेरे पास, तो दोनों लिख दूंगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर को ब्रैकेट में कितनी वैल्यू डेप्रिसिएशन के? फर्नीचर के 5,000। और एक पेपन का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 4,000 इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरीज है कितना? 10,000। तो सैलरीज एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है जी, ये सारे खर्चे हो गए आपके, और कोई एक्सपेंस नहीं है। टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? 19,000। ये क्या हो जाएगा? माइनस 20 माइनस 19, क्या आंसर आएगा? 1,000। अब चेक करेंगे कोई प्रीपेड डायरेक्ट डिपॉजिट इनकम तो नहीं है सवाल में, तो यहाँ पे मुझे प्रीपेड भी कहीं नहीं दिखा, डायरेक्ट डिपॉजिट भी कोई नहीं है, कोई इनकम भी नहीं है, तो यही आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 1,000। ठीक है जी, क्या कहलाएगा? एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 1,000। अच्छा सही, कितना आ गया? 1,000 एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ ये सवाल हमारा खत्म हुआ चाहता है।